अपना विचार यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने बिट्टू मोएगी राम राम। इस समय आम सभा मोहाना में जहाँ पर ईवीएम मशीनें रखी गई है बड़ौदा विधानसभा की, और यहाँ कांग्रेस के योद्धाओं ने अपना डेरा डाल दिया है। पूछ सके कि वो डेरा क्यों डाला गया, और बकायदे मशीनों की बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखाई गई है भीतर से। अगर कोई छेड़खानी होती है तो भी यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी है जो यहाँ पर अपना डेरा डाले हुए हैं। पूछ सके राम राम भाई। राम राम भाई। भाई जी ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो आपने यहाँ पागल उठना भाई? उनका तो साथ प्रशासन है, सारे अफसर हैं, सरकार है, ये महाराज तो किसान भाई यहाँ साथ सर विरोध लगेगा है। अच्छा, इस करके जरूरत पड़ी रखवाड़ेगी। अच्छा। फिर आपके मन में कहीं ना कहीं मशीन छेड़खानी का डर है? छेड़खानी को ना दस ना थोड़ा जोर जबरदस्ती कर सके, उसका तरह हमने तैयारी कर रखी अपनी। अच्छा, पूरी तैयारी। हाँ पूरी। क्या तैयारी कर दी भाई? तैयारी का हम जाकर पूछो किसानों ने पूछो सारे बाट। अच्छा। देखे है ना पिपली वाला काम करेंगे, रीन गौड़ा पिपली का बदला लेंगे। अच्छा। हाँ। बदलेगी पूरी तैयारी है पूरी। आपने क्या लगा मतलब जो आप यहाँ आगे लेटे ऐसी क्या जरूरत पड़ी आपने जो मशीन ना गया डेरा डालना पड़ा? बेटा इस मोदी ने बहन और भाइयों अरियो खट्टर ने वैसा काम कर दिया, समाज में जहर घोल दिया, भाईचारा खत्म कर दिया, आप जैसे नौजवानों की नौकरी खत्म कर दी, बिजली बिल सारे मतलब दूसरे बेच डाले, बस प्राइवेट कर दी, रेल प्राइवेट कर दी। भाई हमने तो 78 साल हो गए ईसा अन्यायी राजा हमने तो देखा नहीं। अच्छा। हाँ फिर आपने भाई भगवान की करनी, मारे विधायक जी कृष्ण मुड्डा थे वो भगवान ने प्यारे हुए, उस करके ने अटका चुनाव हो गया। अगर यह मोदी सरकार सही हो नहीं तो आज यह बिल में ना बढ़े। अच्छा। लेकिन कांग्रेस सरकार ने बिल में बढ़े हुए में भी पानी गेर गए उसी ऊपर काट डांगे चोडा को ने। अच्छा। और भालू को जता दिया और दुपेंद्र और भूपेंद्र को। कितनी वोटा जता दिया भाई? मैं तो 25 ला रहा हूँ और तो कोई कमे को। अच्छा। हाँ 25,000 तक। बीजेपी वाले तो एक जुटी हाथ में रहेगी एक पाँव में रहेगी, मन तो बेहतर दिख जाए। चलो ठीक है तो थोड़ी। राम राम भाई जी। राम राम भाई सर। भाई जी आपने क्या लाग रहा जो आप यहाँ बैठे हो, क्या जरूरत पड़ी जो इतनी पहले आपने यहाँ डेरा डालना पड़ा मशीन में? भाई दीपेंद्र राजे तो माए दाड़ो कच के कहीं ना कहीं डर है भीतर ले में न्यूज वाला काम कभी मारा गया बिना बने जा बैठे हैं भाई, सारा हल्का बैठा है। और आप बैठे रहो यार, अगर तो कोई परेशानी नहीं आती करके नहीं कहते भाई? क्यों नहीं कोई परेशानी करके देने लो भाई, नमेड़ा करके जबाना जिता के लेना फाइनल रिजल्ट लेगा आना। हाँ लेगा आना था दुखावा यार बाट देखने लग रही। कल नो कहते हैं कैमरे कुमरे बंद हो गए? हाँ कल एक दो घंटा परेशानी आ गई थी, बाकी ठीक हो गया, कोई ली लाइट में दिक्कत थी। हाँ क्या लग गए फिर आपने यहाँ? जीत सड़क क्लियर भाई। हाँ क्लियर जीत से। आपके उस तक क्या लग गया भाई जी जो आप यहाँ लेटे हो बैठ रहे हो मतलब डेरा डाल दिया यो पहले इतने दिन पहले क्लियर, और फिर आरोप भी ला दे हो कि मशीन छेड़खानी करा बीजेपी वाले? भाई साहब हम तो उससे दिन के बैठे हैं। अच्छा मशीन आते मशीन आते हैं गेल गेल आए दे। अच्छा। और जब क्या डेरा डाल रहे हैं सारे? अच्छा। जीत के प्रति आपका क्या कहना? जीत निश्चित है भाई हमारी। अच्छा। बिल्कुल निश्चित है। फिर जीत निश्चित है और देखा जाए तो सिर्फ अपनी एक ही पार्टी के बैठे हैं आप, और पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं है आप? भाई संघर्ष में हमारी पार्टी जीत में हमारी पार्टी, हमन अपनी जनता है। हाँ लेकिन ये तो कह रहे हैं बीजेपी वाले हम एक तरफ इलेक्शन जीत रहे। चलो भाई साहब वो बेरा पड़ जाए परसों से। हमन आप अपनी कितने लीड मान जीत मान रहे हैं? 20,000 परस लीड है जी भाई। भाई साहब आपने यार जो रुके हो और लाइव स्क्रीन चल रही है ऐसी क्या जरूरत पड़ी भाई जी आपकी पार्टी ने आप नहीं जो रुकना पड़ा जबकि और किसी पार्टी का यहाँ पर कोई कार्यकर्ता या कोई नहीं है? और पार्टियां तो सारा नहीं बेरा उनका तो ऐसा बोल लिया। अच्छा। उनका तो पल्ले के में है नहीं। अच्छा। अरे भाई हमने डर है सब ने बेरा पाछे दीपेंद्र भाई साहब गले ने जो कराया था तो उसे बह के मारे अपना सारा हल्का साथ बैठे और सब उसी दिन साथ आए थे। और 10 तारीख ने भाई इंदुराज नरवाल को और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को यहाँ से विजय करके ही हम घर जाएंगे। बीजेपी वाले दावा करा है कि सीट तो हम जीतता ये दवा सु है ना ना लो दौरे भी नहीं 10 तारीख ने बेरा पड़ जाएगा 11:30-12 बजे तो हिसाब बना देंगे। अच्छा। हाँ 12 बजे तो जो कर हिसाब बना के भेज देंगे। अच्छा। हाँ 12 बजे तो फिर अपनी तैयारी पता? हाँ तैयारी अपनी तो पूरी तैयारी है देख लियो आप तो आप कल देखो कढ़ाई चढ़ी मार दो तो पहले कढ़ाई चढ़ाई जिता दिया और मारी के जीत है ये तो पूरे हल्का की जीत है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की जीत है जिसने किसान पुत्र को टिकट देकर
इतना पूरे हरियाणा की जनता की जीत है भाई। ये भूपेंद्र हुड्डा ने जो किसान के बेटे को टिकट दे के ये बहुत बड़ा काम किया है और पूरा हल्का पूरा हरियाणा और हरियाणा के सभी लोग उन्हें साथ दिया है। जो ये तीन अध्यादेश आए इस इलेक्शन में बीजेपी ने फायदा है या घाटा? घाटा, लेकिन वो किसान किया है दोगुनी करने के बार बार दावे करे कहाँ हो रही है दोगुनी। आप देख लो 1700-1800-1500 रुपए जीरी बिक रही है, सब ने पता ये तो सरे हम दिख रहे भाई मंडियों में क्या हाल है। जो किसान जाए रोता हो बेचारा। मोहना में जहाँ पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने यहाँ डेरा डाल दिया है, ईवीएम से छेड़छाड़ के खतरे में, तुमने वीडियो खींची लगी कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।